बागपत में रेलवे ब्रिज पर कार खड़ी कर रील बनाई और कार के छत पर और नीचे डांस किया। ट्वीट कर डीजीपी से शिकायत करने के बाद कार पर बागपत में रेल ट्रैक पर बाइक फंसी तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया युवक। ट्रेन ड्राइवर ने बाइक बचाने के लिए रोक दी ट्रेन। रेल फाटक बंद होने के बावजूद ट्रैक पार कर रहा था युवक। हमीरपुर में खेत में पड़ा मिला युवक का शव। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस, शव को कब्जे में लेकर युवक की शिनाख्त में जुटी। मुरादाबाद में मोबाइल टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामा। टावर पर चढ़े युवक को पुलिस ने उतारा। नशा करने आदि का युवक है। जालौन में कल बजरंग दल ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। उरई और कालपट्टी तहसील क्षेत्र के ठारकेश्वरी और हनुमान मंदिर पर आयोजन। पीएफआई सतुल्ला पर विरोध। फिरोजाबाद में बीएसपी बजरंग दल का शक्ति प्रदर्शन। बीच सड़क हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। रोड पर फंस गए थे लोग। लखनऊ में शादी से पहले युवक ने लड़की की हत्या कर 4 मई को होनी थी शादी, शादी के दिन ही मिलने के बहाने बुला करके हत्या की थी। शिवसेना नेता को कोर्ट ने भेजा जेल। शिवसेना पश्चिमी यूपी के अध्यक्ष मोहन शर्मा पर कार्रवाई। 24 साल पुराने क्रिकेट पिच खोदने के मामले में मुजफ्फरनगर कोर्ट का फैसला। बाबा विश्वनाथ जगदीशिला डोली का बागेश्वर के बाबा बागनाथ मंदिर में भव्य स्वागत। कल देर शाम पहुंची थी यात्रा। लोगों ने पूजा अर्चना करके आशीर्वाद दिया। हमीरपुर में निकाय चुनाव के दौरान बनाए जाएंगे सखी बूथ। इन बूथों पर सिर्फ महिला कर्मी, महिला पुलिस कर्मी ही रहेंगी। छोटे बच्चे के साथ आने वाले महिलाओं के लिए खिलौने और झूले भी लगाए जाएंगे। अलीगढ़ में सपा नेताओं पर आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो में बुलडोजर दिखा था। अखिलेश यादव ने सिविल लाइन इलाके में किया था रोड शो। उन्नाव में स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी से हो रही निगरानी। डीएम अपूर्वा दुबे ने डीएसएन कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का अधिकारियों के साथ जायजा लिया। महोबा में बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश कुमार चौबे का बड़ा बयान। बीजेपी के जिला प्रभारी और प्रत्याशी से अपनी जान का खतरा बताया। प्रशासन पर भी लगाया सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने की धमकी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने हजरतगंज इलाके में केस दर्ज करवाया। रायबरेली में स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। 4-4 घंटे की शिफ्ट लगाकर कर रहे हैं स्ट्रांग रूम की निगरानी। शहर कोतवाली क्षेत्र के गोरा बाजार स्थित आईटीआई कॉलेज में बना है स्ट्रांग रूम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के चाणक्यपुरी में पीवीआर में देखी रत्नकेला स्टोरी फिल्म। यूपी में भी टैक्स फ्री हुई है फिल्म। फिरोजाबाद पहुंचे सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा यह सरकार का धंधा, चुनाव के समय बनती है ऐसी फिल्म। यूपी में द केरला स्टोरी फिल्म होगी टैक्स फ्री। सीएम योगी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। पूरे मंत्रिमंडल के साथ 12 मई को द केरला स्टोरी फिल्म देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। द केरला स्टोरी को यूपी में टैक्स फ्री करने पर बोले सपा प्रवक्ता अमित जा में। प्रोपेगेंडा फिल्म पर कैंपेन कर रही भाजपा। विश्व की सबसे शक्तिशाली पार्टी के लिए इससे बुरा दिन नहीं हो सकता। ओडिशा के संबलपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर हुई हिंसा। भाजपा जांच दल की रिपोर्ट भाजपा अध्यक्ष को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल सिंह ने रिपोर्ट सौंपी है। गोरखपुर में बजरंग दल की तुलना आतंकवादी संगठन पीएफआई से करने का पर उबाल है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध। हनुमान चालीसा का पाठ किया। लखनऊ के इको गार्डन में बजरंग दल के कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया। कर्नाटक में बजरंग दल को चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बैन करने की कही थी बात। दो हजार 2013 गैंगरेप मामले में मुजफ्फरनगर में विशेष पॉक्सो एक्ट में दो दोषियों को सुनाई 20 साल की सजा। 15,000 का जुर्माना लगाया। माफिया शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस। स्मैक कारोबारी पंडित ताइन समेत गोरखपुर की मोस्ट वांटेड टॉप 10 लेडी डॉन की लिस्ट जारी कर दी गई है। पंडित ताइन गीता रिंकू समेत 10 लेडी डॉन पर पुलिस का कसा जा रहा है शिकंजा। अतीक अहमद के भनोई डॉक्टर अखलाक को लेकर बड़ा खुलासा। डॉक्टर अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम की आर्थिक तौर पर मदद की थी। गुड्डू मुस्लिम को 50,000 की आर्थिक मदद दी।
डॉक्टर अखलाक ने अतीक के बेटे असद को भी आर्थिक तौर पर की थी मदद। दिल्ली में गिरफ्तार असलाह तस्कर के मदद से असद को 1.5 लाख रुपए भिजवाए गए। ग्रेटर नोएडा में गैंगस्टर अनिल दुजाना गैंग में सक्रिय सदस्य चंद्रपाल प्रधान की प्रॉपर्टी कुर्क। बम्बावड़ ग्राम में बने फार्म हाउस को पुलिस ने सील किया। कुशनगर के बरवा महादेवा में चला प्रशासन का बुलडोजर। 2.5 दर्जन से अधिक दुकानें हथौड़ी गई। व्यापारियों और ग्रामीणों में विरोध। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कसता शिकंजा। अंगद राय की 7 करोड़ 25 लाख की संपत्ति पर गैंग के कई सदस्यों की भी कार्रवाई जारी। मेरठ के शराब माफिया बदन सिंह बद्दो पर बढ़ाया गया इनाम। 2.5 लाख के नाम बदन सिंह बद्दो पर 5 लाख इनाम करने की तैयारी। डीजीपी ने शासन को बद्दो पर इनाम बढ़ाने की सिफारिश की। पीएफआई के गिरफ्तार सदस्य परवेज जो रईस पर बड़ा खुलासा हुआ है। निकाय चुनाव में सरकार के खिलाफ वोटिंग का चला रहे थे अभियान। सरकार को गलत साबित करने के लिए चला रहे थे अभियान। श्रावस्ती में प्राइवेट हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही। 8 महीने के बच्चे को प्रसव के दौरान काटकर बाहर निकाला। पीड़ित ने लगा इंसाफ की गुहार। देवरिया के राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का हाल बेहाल है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने किया है औचक निरीक्षण। स्टाफ अनुपस्थित पर डीएम ने लगाई है फटकार। लखनऊ के लोहिया अस्पताल के डॉक्टर पर महिला मरीज की पिटाई का आरोप। ओपीडी में इलाज के लिए गई थी महिला। मारपीट के दौरान तमाशबीन बने रहे मरीज और तीमारदार। लखनऊ से गोरखपुर जा रही स्पेशल ट्रेन के सामने आई छुट्टा गाय। अचानक ट्रेन के सामने आने से गाय की कटकर मौत हो गई है। गाय के फंसने से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर अहमदाबाद दरभंगा पर ट्रेन को रोका गया। आगरा में बंदर ने 5 साल की बच्ची पर हमला किया। बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। कस्बा बाहक एक मोहल्ला गड़ा पचौरी का मामला। लखनऊ के गोमती इलाके में बड़ा हादसा टल गया। कार पर पेड़ गिरी। कार के अंदर नहीं था कोई भी मौजूद। गाजियाबाद के इंद्रपुरम के सुपरटेक आइकॉन सोसाइटी की 5वीं मंजिल में आग लग गई है। गरिमत रही कि फ्लैट में कोई नहीं था उस वक्त मौजूद। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। झांसी के बस स्टैंड के पास फल मंडी में भीषण आग लग गई। बिजली के तारों में स्पार्किंग की वजह से आग लगी। थाना नवाबाद इलाके का मामला। ललितपुर में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत। 1 की मौके पर हुई मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। थाना जाखलौन इलाके का मामला। अमेठी में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर हुई मौत। फरार बस ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। सहारनपुर में आर्मी का ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग पर लटका। आर्मी के जवानों ने बमुश्किली जान बचाई है। गोंडा में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। बड़े प्राइवेट बैंक के इंश्योरेंस कर्मचारी बना करते थे फर्जीवाड़ा। ऐसे में कैश एटीएम और पासबुक के साथ 3 गिरफ्तार। रायबरेली में कोर्ट परिसर में पति ने पत्नी पर ब्लेड से किया हमला। दोनों के बीच चल रहा था पारिवारिक विवाद का मुकदमा। सदर कोतवाली क्षेत्र के दीवानी कचहरी का मामला। कौशाम्बी में धारदार हथियार से महिला की हत्या। महिला के सर पर चाकू से वार किया गया और पिपरी थाना क्षेत्र के मुरादनगर गांव का ये पूरा मामला। बदायूं के मियाऊ कस्बे में खाने बनाने वाले कारीगर की संदिग्ध मौत हो गई है। पुलिस ने कारीगर के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में कुत्ते की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। 5 लोगों पर केस दर्ज। थाना हरि पर्वत के लंगड़े की चौकी इलाके का मामला। शराब कारोबारियों पर बस्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 120 लीटर कच्ची शराब के साथ साथ 2500 लीटर लहर भी नष्ट की गई। उत्तरकाशी में अवैध अफीम की खेती करने वालों पर केस दर्ज। 3 हेक्टेयर पर जमीन पर अवैध तरह से उगाई गई थी अफीम को नष्ट किया। बाराबंकी में बेकाबू स्कूल वैन गड्ढे में पलटी। 3 बच्चे घायल। बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया। मामला कोतवाली बदोसराय के पूर्णिया गांव का यह पूरा मामला। मथुरा में प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोटकर हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी हीरा सीने की हत्या। मुरादाबाद में पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नया गांव का मामला।
उन्नाव में पेड़ से लटका मिला है प्रेमी गुड़ का शव, शव मिलने से ऊंचा हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी में घर के बाहर सो रही महिला की गला रेतकर हत्या, चारपाई से थोड़ी दूर जमीन पर पड़ा मिला शव, रे के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही। उन्नाव में पारिवारिक कलह के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी है, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिम बाग मोहल्ले की घटना। नोएडा में 5 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मथुरा में जीआरपी पुलिस की लापरवाही आई सामने, अस्पताल में कैदी के साथ आराम फरमाता हुआ नजर आया, मुठभेड़ में घायल इनामी बदमाश को इलाज के लिए ले गए थे अस्पताल। एटा में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़, 2 गौ तस्कर पैर में गोली लगने से घायल हुए, मुठभेड़ के दौरान सपा के 1 सिपाही को भी गोली लगी। मुरादाबाद में 2 पक्षों के विवाद में गोली लगने से गई है युवक की जान, दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला हुआ था युवक, मजूरा थाना इलाके की घटना। मऊ में युवती का फंदे से लटका मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच में जुटी पुलिस। हलधरपुर थाना क्षेत्र के चटिया फाटक का मामला। उन्नाव में पुरानी नजिश के चलते 2 पक्षों में चले हैं लाठी और डंडे मारपीट के दौरान 12 से ज्यादा लोग घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुट चुकी है। मऊ में बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह ने अफजल अंसारी की बेटी को पार्टी में शामिल करने को लेकर बयान दिया, कहा अफजल अंसारी की बेटी अगर आवेदन देंगी तो पार्टी करेगी विचार, बहुजन समाजवादी पार्टी में सबका स्वागत। सपा प्रवक्ता राजीव राय के करीबियों सहित 11,000 सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर आरोप लगा है, कोपागंज थाने में FIR दर्ज। फरुखाबाद में नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 में चुनाव बहिष्कार की घोषणा, मिली सड़क और पानी के निकास की व्यवस्था न होने से नाराज है मतदाता, जिलाधिकारी पर भूमाफियाओं पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप। बागपत में बड़ौत नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का दूध से नहलाया गया, जनसंपर्क के दौरान बसपा प्रत्याशी को दूध से नहलाया गया। बरेली में माफिया अशरफ के गुर्गे फुरकान नबी के बर्थडे का वीडियो वायरल हो रहा है, फुरकान 5 के एक बड़ी चाकू से काटता हुआ नजर आया, इस वीडियो में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग भी की गई है, 5 महीने पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। झांसी में तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक बेकाबू होकर पलटने से अचानक आग लग गई, ड्राइवर और हेल्पर ने मौका देख अपनी जान बचाई, थाना बड़ा गांव का मामला। कुशनगर में कार ने 2 स्कूली छात्राओं को कुचला, 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़ा। कानपुर में विस्फोट से उड़ी मकान की छत, 7 लोग घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर, नवाबगंज थाना क्षेत्र के पहलवान पूर्वा का मामला। ABP गंगा खबर आपकी, जुबान आपकी।